गर्भवती महिलाएं इस सोच में रहती हैं कि उनके शिशु के जन्म के लिए नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतर होगी, साथ ही डॉक्टर की देखरेख में ही उनकी डिलीवरी होगी ताकि किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं पढ़े लिखे लोगों का यही मानना है कि महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल में ही होनी चाहिए, जिससे माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, साथ ही शिशु को जन्म के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के सबसे बड़े राज्य में महिलाओं की डिलीवरी ज्यादातर घर में ही होती है। हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में आए कुछ आंकड़ों के अनुसार इस बात की जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी डिलीवरी घर पर ही की जाती है। जी हाँ, वहाँ की महिलाएं अस्पताल नहीं जाती। हालांकि ये रिपोर्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने पेश की है, ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर है। जहां एजुकेटेड लोग रहने के बावजूद भी डिलीवरी घर में ही होती है, साथ डिलीवरी के अनुसार बच्चों और महिलाओं को कितनी दिक्कतों से जूझना पड़ता है, वहीं घर पर डिलीवरी होने के पीछे की वजह शायद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अस्पतालों की संख्या का बहुत कम होना भी हो सकता है, या फिर वहां रह रहे लोगों की पुरानी परंपरा को चलन में रखना, क्योंकि पहले महिलाओं की डिलीवरी घर पर ही होती थी। आखिर क्यों इतने एजुकेटेड होने के बाद भी लोग पुरानी परंपरा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? वहीं 2014 और 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मातृत्व की जान गंवाने की दर में 30% तक की कमी आई है, जबकि पूरे देश में औसतन मातृत्व की जान गंवाने की दर 22% है। और वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 1990 में मातृत्व की जान गंवाने की दर 1,00,000 जीवित प्रसव में 556 मामले सामने आए थे, जबकि 2000 में ये 1,00,000 जीवित प्रसव में ये घटकर 130 मामले सामने आए थे, जिससे बीते कुछ सालों में मातृत्व की जान गंवाने की दर में 77% की कमी हुई है। नेक्स्ट 9 हेल्थ किरण डेस्क से रानी की रिपोर्ट।